नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही महिला अपराध को रोकने के तमाम दावे कर रहे हों, लेकिन उनके सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। कानपुर देहात के थाना डेरापुर क्षेत्र में अकेली युवती को दो युवकों ने घर में घुसकर तमंचे के बल पर अपनी हवस का शिकार बनाना डाला। इसके बाद दोनों युवकों ने युवती को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। घर पहुंचते ही जब मां और पिता ने युवती के मुंह से आपबीती सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और पीड़ित परिवार पीड़िता के साथ न्याय के लिए थाना डेरापुर पहुंच गया। लेकिन डेरापुर थाना पुलिस को ना तो पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने की परवाह थी और ना ही सीएम योगी के सपने की। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महिला अपराध को रोकने के तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके सारे दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता तस्लीम जुड़ चुके हैं। तस्लीम, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया? सर, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमौली कुरमियान का पूरा मामला है, जहां पर पीड़ित के परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव के सजाती व एक पूर्व प्रधान समेत दो लोगों ने कट्टा के दम पर घर में कूद कर युवती के साथ दुष्कर्म किया है। वहीं पीड़ितों ने थाना जाकर प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं पुलिस ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन इसके बाद जब आला अधिकारियों को संज्ञान में आया तो तुरंत अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने उनको प्रार्थना पत्र मिलने पर FIR मुकदमा दर्ज किया है। वहीं टीम गठित की गई है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के लिए कहा गया है। तस्लीम, क्या दरिंदों ने युवती के साथ कुछ मारपीट भी की थी? तो दोनों युवक अभी तक गिरफ्तार हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं? अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया है कि टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तस्लीम, आपको लग नहीं रहा कि इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम दावे करते हैं महिला अपराध को रोकने के लिए, लेकिन सारे दावे उनके फेल होते दिखाई दे रहे हैं और लगातार महिला अपराध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है? जी सर, बिल्कुल इस बात को कह सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सम्मान अपराध के चलते जगह जगह महिला सशक्तिकरण के आयोजन कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो दरिंदे लोग हैं इनको पुलिस का डर है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसके बावजूद भी अभी योगी आदित्यनाथ के 48 घंटे भी नहीं हुए, महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इन दरिंदों ने इसके बावजूद ऐसी घटना को अंजाम दिया है। धन्यवाद आपका तस्लीम जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम दावे महिला अपराध को लेकर फेल होते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा हाथरस कांड, बलरामपुर कांड, बाराबंकी कांड, तमाम जगह, तमाम शहरों में, तमाम जिलों में महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ बलात्कार हुआ, उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन फिर भी चाहे प्रशासन की बात हो चाहे उस सरकार हो, इस पर बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं जा रहा। अगर ध्यान जा रहा है तो फिर क्यों ऐसी घटनाएं रुकने का नाम ले ले रही है? अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में महिला अपराध को रोकने के लिए वो तमाम दावे कर रहे हैं, तो फिर क्यों महिला अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, ये एक सवाल है। फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा कानपुर देहात के थाना डेरापुर क्षेत्र में अकेली युवती को दो युवकों ने घर में घुसकर तमंचे के बल पर अपनी हवस का शिकार बनाया, इस मामले में जांच पड़ताल जारी है और जो पुलिस ने उसने कई टीमें इसमें गठित की है।